बड़ा महत्व है। यहाँ पे जब रास लीला हुई थी वृंदावन में, तो रास में सारी गोपियाँ आ रही थी कृष्णा के साथ रास नृत्य के लिए, तो श्रीमती राधिका थोड़ी सी लेट हो गई थी, और श्री राधिका देखती है कि कृष्णा बाकी गोपियों के साथ जो है नृत्य प्रारंभ कर देते हैं, और राधा रानी एक्चुअली स्पेशल है, और इसीलिए राधा रानी को थोड़ा मान हो जाता है कि बाकी गोपियों को तो अभिमान होता है कि ब्रह्मांड के समस्त ब्रह्मांड के एकमात्र नाथ श्री कृष्ण उनको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन श्रीमती राधिका को ये मान हो जाता है कि मतलब कृष्ण ने जो है स्पेशली राधा रानी को कुछ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दिया है, या राधा रानी को, इसलिए राधा रानी क्या करती है, इस सरोवर के किनारे आती है और रोने लगती है, और जब राधा रानी रोने लगती है तो कृष्ण को भी राधा रानी का विरह होता है, क्योंकि रास में राधा रानी के बिना कृष्ण को आनंद नहीं आता है, और श्रीमती राधिका ही है जो कृष्ण को सबसे ज्यादा आनंद प्रदान कर सकती है, कोई अन्य गोपियाँ इतना आनंद कृष्ण को नहीं दे सकती। तो श्री कृष्ण भी राधा रानी को यहाँ मनाने आते हैं, और बाद में राधा रानी जब तक नहीं मानती, कृष्ण इतना, कृष्ण भी रोते हैं, राधा रानी भी रो रही है मान में, और कृष्ण उनका चरण जो है, चरण कमल अपने सर पर धारण करते हैं। तो इस प्रकार मान सरोवर बना, और जब भगवान शिव जी को इच्छा हुई कि वो भी रास लीला में प्रवेश करे, जैसे कि नारद मुनि को इच्छा हुई थी, लक्ष्मी देवी को, ऐसे श्री शिव जी को भी हुई, और भगवान शिव ने रासलीला में प्रवेश करने का प्रयत्न किया लेकिन पकड़े गए, तो वृंदा देवी और ललिता सखी ने उनको बोला कि ठीक है, अगर आप प्रवेश करना चाहते हो तो मान सरोवर में स्नान कीजिए, तो आपको गोपी रूप मिलेगा और उस रूप से आप प्रवेश कर सकते हो। तो फिर भगवान शिव भी यहाँ पे डुबकी लगाते हैं, और फिर वो सुंदर गोपी का रूप धारण करते हैं, लेकिन जैसा कि कल की क्लास में कथा में हमने सुना था, हिज होलीनेस भक्त चैतन्य महाराज ने बोला था कि वो अपने गुरु संकर्षण से तो बहुत आकर्षित है, संकर्षण में अनंत शेषनाग जो जिसके ऊपर भगवान सोते हैं, तो इसीलिए सांप जो है भगवान शिव के गले में हमेशा रहता है, तो गोपी जब बने तो भी वो अटैचमेंट नहीं छोड़ पाए गुरु के प्रति, तो वो सांप गले में ऐसे लेकर ही प्रवेश किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको गोपीश्वर नाम दिया, तो राधा रानी कहती है नहीं नहीं मैं गोपीश्वर हूँ, गोपियों के सबके जो है नायिका मैं हूँ, लेकिन आपने उनको क्यों गोपीश्वर बताया, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कौन इंटरेस्टेड है सांप ऐसे लटका हुआ है गोपी के ऊपर, यू डोंट वरी, आपका हमेशा जो है स्पेशल ही स्थान रहेगा। तो इस प्रकार भगवान शिव जी को भी रासलीला में प्रवेश मिला था मानसरोवर के कारण। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण।